हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज है मंडे और मंडे सुबह का टाइमिंग है और मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है, दवाई उनको खानी थी तो उनको जल्दी नाश्ता करना था तो इसलिए मैंने उनको दे दिया। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो यहाँ पे मैं फिर अपना भी नाश्ता बना के रख दी हूँ। अब पहले मैं भगवान जी को मतलब आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ कि इनका पूरा मंदिर बहुत गंदा हो गया था। तो हम लोग अपना घर वर साफ करते हैं और भगवान का मंदिर ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं सफाई कर रही थी और पूरी मतलब जितनी फ़ोटो प्रतिमा थी सबको अच्छे से मैंने पोंछा। और कभी कभी मैं ऐसे ही करती हूँ कि ताकि घर मेरा मतलब भगवान जी साफ हो जाए। तो यहाँ से मैं आज का स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और वीडियो पूरा जरूर। तो मिलते हैं आपसे। तो हेलो एवरीवन, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों से 2 मिनट बातें किया जाए। तो मैं पूजा करने के बाद जो है नाश्ता करने के बाद जो है अपनी क्लीनिंग सब कर चुकी थी और क्या हुआ कि मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया। तो मैं उन्हीं से एक बात करती हूँ जो 1-1.5 घंटे चलती है। घर की सारी बातें जितनी होती है मैं उनसे शेयर करती हूँ और उन्हीं से बातें करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो मैं उन्हीं को मतलब सारा चीज़ बताती हूँ या करती हूँ। और मेरा एक छोटा भाई है, उसका भी कॉल आ गया, इस वजह से मैं और सब चीज़ जो कर रही थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और यहाँ पे मैं तरबूज लेके बैठी हूँ, तरबूज काट के दूँगी अब सबको खाने के लिए। और जैसे भगवान जी का कपड़ा धोना और जितने किचन फैले हुए थे जो नाश्ता के बाद उसको समेटना, उसके बाद नाश्ता करना, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि मोबाइल ये ही है, इसी से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, बातें भी इसी से करती हूँ, तो फिर नहीं हो पाता ना दोनों, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए सॉरी। और फिर कभी ट्राई करूँगी कि इस टाइम का आप लोगों को दिखाऊँ। और अभी तरबूज काटना मतलब काट रही हूँ, काट के दे दूँगी। उसके बाद जो है आज क्या है ना, मेरे हस्बैंड के पैर में मैं बताई थी कि प्रॉब्लम हो गई है, सूजन आ गया है, तो वो इंजेक्शन लगवा के आए हैं। तो आज वो ऑफिस नहीं गए हैं तो इस वजह से अभी मेरे घर का मतलब लंच वंच बनाना अभी सब बाकी है। और हस्बैंड लोग घर पे रहते हैं तो लगता है ना कि कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाओ और करो, तो अच्छी सी तो नहीं लेकिन मैं दाल चावल रोटी सब्जी तो बनाऊंगी ही उनके लिए, घर पे हैं तो। और नहीं रहते हैं तो फिर क्या होता है ना, बच्चों और मेरे साथ फिर रोटी सब्जी बन जाती है, हम लोग खा लेते हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी दाल चावल रोटी सब्जी अच्छे से बनाऊंगी। तो मैंने कहा आप लोगों से 1 मिनट के लिए बातें किया जाए, अच्छा लगता है। और मैं एक वही हैं जो मम्मी हैं जिनसे बातें करती हूँ, बाकी छोटा भाई हो तो वो कभी फ़ोन कॉल करता है, कभी नहीं करता है, कभी मैं ही कर लेती हूँ। तो 2-4 दिन हफ्ते उससे क्या बातें करें, अभी सिंगल है और ऐसी कोई बातें नहीं होती है, बस हालचाल हो गया उससे तो इसलिए। और मायके के नाम पे वही है मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ससुराल के नाम पे सास ससुर सब लोग हैं, सब अच्छे हैं, तो इसलिए मैं ससुराल में ज़्यादा बातें कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं, तरबूज देके अपने हस्बैंड को। और मैं एक और बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और जो गलती हो वो बताइए कि हाँ आप ऐसे करिए तो आपकी वीडियो अच्छी होगी, तो आप बताएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ आप लोगों को और मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को दिखा सकूँ मेरी लाइफ स्टाइल में क्या होता है और मैं कैसे करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा के और बता के, तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए प्लीज। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में और इनकी मैंने बर्फ़ से सिकाई भी कर दी है। 4 टाइम डॉक्टर ने बोला है कि 4 टाइम बर्फ़ से सिकाई करिए, तो मैं कर चुकी हूँ एक बार दोपहर वाला भी, एक सुबह में दोपहर में फिर शाम रात, 4 बार कर देती हूँ। और कर देती हूँ क्या, वो खुद ही करते हैं, बस देना पड़ता है उनको, नहीं तो वो फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं बनाती हूँ लौकी की भुजिया और दाल और रोटी बनेगी आज। घर पे हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी अच्छे से बन जाती है, ऑफिस जाते हैं तो फिर रोटी सब्जी ही बन पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं घी का तड़का देके जीरा डाल के हरी मिर्च डाल के और लौकी छौंक दी। मैं बस ऐसे ही प्लेन लौकी बनाती हूँ,
मैं वैसे मसाले वाला टमाटर डाल के वैसे नहीं बनाती, मेरे यहाँ वैसे कोई नहीं खाता है, और ऐसे बनाओ ना तो शांतनु भी खा लेता है, तो मैं इसीलिए बना रही हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। तो यहाँ पे मैं दही घर पे ही आजकल जमा लेती हूँ, बच्चे थोड़ा दूध वगैरह भी गर्मी में कम ले रहे हैं तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि दही ही जमा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जामुन जोरन जो बोलते हैं जामुन वो भी थोड़ा सा हटा दिया है, और मतलब उसमें मैं दूध डाल दूँगी, जब दूध थोड़ा हल्का गुनगुना रहेगा ना तब डाल दूँगी। और रायते के लिए मैंने तवे पे जीरा डाल दिया, वो भी अपना भूनता रहेगा। और इधर मैं दही को अच्छे से फेंट के और इसमें खीरा घिस के रखी थी पहले से ही, तो खीरा भी मिला दिया मैंने। और ज़्यादातर मैं खीरे का ही रायता बनाती हूँ, बच्चा भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हूँ, आपको नहीं पसंद लाल मिर्च तो आप हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं ये जीरा जो भून रही हूँ ना, ये बड़ा अच्छा खुशबू आता है भून के ना, रख लो तो भी होता है, लेकिन जो ताज़ा ताज़ा भूनो ना और उसको फिर पीसो तो बड़ा अच्छा, खाने में भी सुगंध आती है। खुशबू के चक्कर में मैं ऐसे करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रख नहीं सकती डब्बे में भून के, लेकिन वो ना थोड़ा सा उसमें खुशबू कम हो जाता है। तो मैं तुरंत के तुरंत किसी भी चीज़ में, दही बड़े में या इसमें डालना हो ना तो मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। और नमक मैं नहीं डालूँगी अभी, क्योंकि नमक से ना अभी खट्टा हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी की वजह से देखिए मैंने बाल भी ना ऐसे ऊपर करके बांध रखा है, क्योंकि गले ना गले में पूरी घमौरियों टाइप से हो गया है। तो घमौरियाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है ना, किचन खुला है लेकिन इतना खड़ा होने के बाद जो है ना फिर भी गर्मी लग रहा है। तो यहाँ पे दाल भी मेरी बन रही है और आटा बना लूँगी, और उसके बाद रोटी बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो इन लोगों को खाना वाना दे दूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा खाना ये है, और चले आप खा के आप लोगों से मिलेंगे फिर वीडियो में। ये रायता मैंने बनाया था, इनमें नमक डाल दिया है, और तोरी की सब्जी भी है तो वो भी है, और खा के मिलते हैं आप लोग। तो मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट गई थी, और ऐसे लगता है ना कि थोड़ा थकान सा हो जाता है तो आदमी चलो लेट लिया। उसके बाद चली गई थी मैं योगा क्लास। मैं आजकल ना योगा क्लास कर रही हूँ, अभी मतलब 3-4 दिनों से ही पकड़ा है, और यही पास में मिल गया मुझे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। और सुबह में टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि अभी तो छुट्टी है, तो चलो ठीक है अभी कर लेंगे, लेकिन जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो सुबह ना 7 बजे की टाइमिंग है, और 7 बजे हमारे मैं जाती हूँ अपने बड़े बेटे को छोड़ने के लिए, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल। मैं इसीलिए शाम को मतलब शाम को ज्वाइन की हूँ, और अच्छा है पास में मिल गया है तो चलो चले जाएंगे, और थोड़ा सा अपने आप को भी ध्यान देना चाहिए ना, बाकी तो हम सबको ध्यान देते ही हैं। तो मैंने कहा चलो 1 घंटे अपने पे भी ध्यान दिया जाए। और यहाँ पे देखिए अब पेट बहुत ज़्यादा निकल गया घर में रह रह के, अभी थोड़ा सा ना अच्छा हुआ था, फ्लो बना था कि चलो जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने ले आने, तो लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मतलब स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी थी इसकी वजह से, तो छुट्टियां पड़ने के कारण से फिर वही आलसपन आ रहा था। तो मैंने कहा चलो इससे थोड़ा आदमी एक्टिव हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कितना गंदा पड़ा है। बच्चों वाले घर में ना ऐसे ही होता है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो ये सब चीज़ें, और ये सफ़ेद टाइल्स है ना तो यहाँ जल्दी दिखता है। तो वो सब करने के बाद जो है मैं आ गई हूँ यहाँ पीछे अपना, और ये दोनों चेयर जो है ना ये आगे वाले रूम में मैंने गद्दी डाल के इस पर और रखा, और ये चेयर ना थोड़ी भारी है तो इनको डेली इधर लेके नहीं आते, हल्की वाली जो है वही इधर रखती हूँ, ताकि मतलब चाय वाय बैठ के पीते हैं हम लोग और अच्छा लगता है। और अभी ना थोड़ी देर पहले यहाँ पे आंधी और बारिश थोड़ी सी हुई, और ज़्यादा नहीं हुई थोड़ी ही हुई, तो बड़ा गंदगी सा हो गया था। तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेंगे, और साथ के साथ अपना फर्श भी धो लेंगे। और थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं ना कि नंगे पैर इधर आ जाते हैं, तो मतलब उसे साफ़ कर दो ना तो ठीक रहता है, अपना घर में भी जाते हैं। सफ़ेद टाइल्स है ना थोड़ी सी भी गंदी रहती है तो तुरंत गंदा दिखने लगता है। मतलब अब हम मुझे लगता है ये कहते हैं तुमको क्या कीड़ा काटे है कि साफ़ करती रहती हो, ठीक है और बच्चे हैं तो होगा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा करती रहती हूँ, मुझे मतलब अच्छा लगता है कि अपना घर वर साफ रखो, तो मैं लगी रहती हूँ इसी में सफाई में। तो यहाँ पे मैं यहाँ पीछे धो भी लूँगी, और आने के बाद जो है ना मतलब ये नहीं लगता, योगा से आने के बाद ये नहीं लगता कि आलस है।
को ऐसे आलस जैसा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि और एनर्जी मिल गया है। और शाम को भी अच्छा लगता है, वहाँ भी एक दो लोग मिल जाती हैं, थोड़ा बात बात कर लेते हैं हम लोग, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मतलब वहाँ का काम करने के बाद जो है हैंड वॉश करने के बाद आ गई हूँ किचन में, और चाय का टाइम हो गया है तो मैं चाय बनाऊँगी। और मैंने पूछा कि बारिश हुई है थोड़ा पकौड़ी बनाऊँ, तो ये मना कर दिए। मेरे घर मेरे हस्बैंड का क्या है ना, वो मीठा खाते हैं, तो हलवा वगैरह बना दो तो खा लेते हैं, पकौड़ी वगैरह बहुत कम यूज हो मतलब बनता है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो पकौड़ी वगैरह नहीं उतना इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ पकौड़ी ब्रेड पकौड़ा ऐसे टाइप से बनाओ। और ये इनका क्या है कि ये हलवा बना दो, कुछ मीठी चीज़ बना दो, तो ये खाने में वो रहते हैं। तो खैर आज तो इन्होंने मना कर दिया कि कुछ नहीं चाहिए, तुम बस चाय और बिस्किट ले आओ। तो यहाँ पर मैंने अपने देव के लिए दूध और रोटी थोड़ा सा ले लिया है, और उसके बाद जो है पानी ले लिया और चाय बना लिया, बिस्किट ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे और चाय पी के मिलते। तो चाय पीने के बाद जो है ना, मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे ना अपने बेटे के लिए ना दोनों का कुर्ता दी थी यहाँ पे सिलने के लिए, तो वो बन गया था तो ले आना था। एक ही एक दोनों के लिए ना कॉटन का कुर्ता सिलवाई थी मैं, और मैं सिलवाती हूँ कुर्ता वगैरह, अच्छा लगता है बच्चों पे। और इन बट लड़कों का कुछ समझ ही नहीं आता ना कि क्या करोगे आप, शर्ट पैंट टी शर्ट यही पहनने का वो रहता है। ओके तो यहाँ पे ये पैसा दे रहे थे मुझे, मैं फिर बाकी जो पैसा था लेके। और ये मार्केट है, और मैं किसी दिन आप लोगों की ना यहाँ की मार्केट का पूरा वो करवाऊँगी, देखती हूँ कब करवा पाती हूँ, और अच्छे से मतलब पूरा वीडियो बना के फिर आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो है उधर ही से अपना फ्रूट और सब्जी और ये सब लेके आ गई। और पहले मैं मास्क हटा दूँ, उसके बाद देखती हूँ कि इस थैले में जो है कुर्ता था तो मैं ले गई इनको दिखाने के लिए। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सारी फ्रूट और सब्जी को धो लूँगी, और मैं ले आती हूँ ना तो पहले धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि आदत बन गई है कोविड के समय से ना, ये कि ये जो अच्छी सी आदत बनी है ना कोविड ने जो सिखाया है, तो अब ऐसे ही भले कुछ भी नहीं डालती, ये नहीं कि लिक्विड वगैरह डालती हूँ, सिंपल भी सब्जी धो लेती हूँ तभी रखती हूँ। और पहले तो खैर मतलब कुछ ना कुछ डाल के ही हल्दी और ऐसे धोते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है तो पानी से। लेकिन फ्रिज साफ़ रहता है, इसकी वजह से ना फ्रिज बहुत गंदा नहीं होता है, आप 15-20 दिन पे भी सफाई करिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, और मैं सब्जी ना ज़्यादा नहीं लेके आती, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पास में ही है मार्केट, तो मैं मतलब ज़्यादातर सोचती हूँ चलो एक दिन दो दिन के लिए ही लाऊँ, हफ्ते भर के लिए नहीं लाती। और उसके बाद जो है आलू वगैरह तो आ जाता है, लेकिन और सब चीज़ें जो है ना मैं वो लाती हूँ। और आजकल पीले वाले आम के जगह पे ये भी आम आ गया है, तो आज पहली बार लाई हूँ, देखते हैं अब। लेकिन महंगा है अभी ये आम, तो अभी आम खाने लायक नहीं है। और तरबूज भी लेके आई, और थोड़ा सा पालक ले आई। बच्चों को क्या करती हूँ ना, पूड़ी वगैरह बना के दे देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं इससे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं लीची भी ले आई थी, आज फ्रूट भी मिल गया तो मैं लेके आई कि चलो बच्चे खा लेंगे, अच्छा रहता है। सीजन वाला फ्रूट जो होता है ना थोड़ा सा मतलब दो बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए, धोते ही शांतनु लेके चले गए कि दीजी आ गए हैं वो पार्क से, तो वो थोड़ा सा खाएंगे। उनको लीची पसंद है, और देव को तरबूज पसंद है, तो वो अपना तरबूज के लिए वो करते हैं। और मैंगो इनको पसंद है, सबकी अलग अलग पसंद। और हम लोगों को सबका ख्याल रखना पड़ता है, चाहे हस्बैंड हो या बच्चे, और सभी लेडीज का यही होगा कि करते होंगे। और दूध आज ख़त्म हो गया था, तो मैं दूध ले आई और दूध रख दी गर्म होने के लिए। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, मतलब सब्जी काटूंगी वहीं पे बैठ के, और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है खाने में, तो खाना बनाएंगे सब्जी। क्या मिला? कीड़ा लीची में, कीड़े आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो एक ही दो बार आया लीची, यार कीड़े भी आने लगे। हाँ, इतना प्यार कब से जी, आप ही खाइए, मुझे नहीं खाना है। देवा क्यों नहीं खाओगे बताओ, बताओ क्यों नहीं खाओगे, बता दो। आपको तो लीची पसंद है ना? नहीं। क्या पसंद है? वाटरमेलन। वाटरमेलन, अच्छा मुझे लीची पसंद है। मुझे भी सेम है।